देर से इस नाड़े को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, नाड़े की गांठ को। अगर पेटीकोट में नाड़ा नहीं डला हो तो पेटीकोट वेस्ट ही है। एक्चुअली कल मैं ना सुबह के टाइम में ये वाली साड़ी पहनने की सोच रही हूँ, तो उसके साथ ये पेटीकोट जाएगा, लेकिन इसके अंदर नाड़ा डालने के लिए मुझे मिल ही नहीं रहा। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ डालूंगी, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसका मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये पेटीकोट मैं इतना यूज़ में नहीं लेती हूँ। तो है ना, इसको इसकी गांठ को खोलने की कोशिश कर रही हूँ, खुली नहीं रही है। और ये वाली साड़ी ना दोस्तों, ये ना मेरी शादी की साड़ी है। तो मेरे शादी के टाइम पे ना ऐसे तारे सितारों की साड़ियाँ ही चला करती थी, तो ये वो वाली साड़ी है। तो सोच रही थी कल पहन लूँ सुबह के टाइम में, अगर तीस त्योहारों पर ही नहीं पहनेंगे अच्छे से तो फिर कब पहनेंगे। पर ये गांठ है कि खुली नहीं रही, अगर इसकी गांठ खुल गई तो भैया मैं ये साड़ी पहन लूँगी, नहीं तो नहीं पहनूँगी, रख दूँगी उठा करके। देख रही थी खोल करके कहीं से कुछ, मतलब बहुत दिन से बंद रखी हुई है ना, मतलब घड़ी बनी हुई रखी हुई है फोल्ड की हुई, तो फोल्ड किए किए ना कुछ ना कुछ निशान पड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है ना, तो देख रही थी कुछ हुआ तो नहीं है। तो सही है, मैंने बोला कि लाओ इसको ही पहनते हैं कल। गांठ नहीं खुली दोस्तों, फाइनली मुझे इसको कट ही करना पड़ रहा है। मैंने कट कर दिया है, खुली नहीं रही, इतनी देर से कर रही हूँ कि खुल जाए खुल जाए। इसको इसमें डाल दूंगी, एक पिन चाहिएगी। आ गया भाई, वो कहाँ छोड़। मैंने ना आज ही सिर धो लिया है, मैंने सोचा कल बृहस्पतिवार रहेगा, आज ही धो लो सिर, तो मैंने आज ही सिर धो लिया था। बाल जिस दिन धो ना उस दिन बाल कितने अच्छे रहते हैं, फिर तो उसके अगले दिन से इतने बेकार हो जाते हैं। बाल सुखा रही थी, सोच रही थी सूख जाए तो पंखा चला के बैठी हूँ, वैसे मैं ठंड लग रही है लेकिन मैं पंखा चला के रखे बैठी हूँ कि सूख जाएंगे जल्दी। अब तो खैर सूख गए, इतने गीले नहीं है, अब तो बस ऐसे थोड़े से बांध लूँगी। अब आज है नेक्स्ट डे, और अभी मैंने सुबह की मॉर्निंग पूजा तो कर ली है, और यहाँ पर मैंने अपने सारा सुहाग का सामान रख दिया है यहाँ पर। शाम को जो पहनने वाली हूँ और जो भी सुहाग का सामान होता है, जैसे पायल है, बिछिया है, सिंदूर है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है, बैंगल्स वगैरह सब कुछ, और रोली चावल से मतलब माता रानी के आगे रख दिया है पूरा श्रृंगार का सामान। और उसके बाद मैंने रोली चावल से पूजा कर दी है, और यहाँ पर मैं ना संकल्प ले रही हूँ निर्जला व्रत का, और कुछ भी व्रत में ना भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा मांग ले रही हूँ पहले से, क्योंकि हम खां इतना जानते हैं समझते हैं, हो ही जाती है गलतियाँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, क्योंकि आज है गुरुवार और आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। जो सभी मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, और जो सब मुझसे छोटे हैं उन सबको ढेर सारा आशीर्वाद। खुश रहिए और हेल्दी रहिए। सो कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तो मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू और भी जगहों से कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं इस फास्ट पे ऐसे कर रही हूँ तो नेक्स्ट फास्ट पे भी मैं ऐसे ही करूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो मैं आज से पहले तक जब ये व्रत रखती थी तो बस ना शाम के टाइम तैयार हुए और पूजा करी और ये सब कर लेती थी, लेकिन आप में से किसी ने ये कॉमेंट किया कि मुझे ये सारा जो सुहाग का सामान होता है जो मैं पहनने वाली होती हूँ वो भगवान को एक बार अर्पित करना चाहिए और संकल्प जरूर लेना चाहिए व्रत करने से पहले। तो बस मैंने अभी अभी जस्ट वही संकल्प लिया है कि जैसे कि लेते हैं, और अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करी। और मेहंदी देखिए, इधर तो कुछ भी नहीं लगाइए, इधर ये ऐसे लगा लिए।
वो थी ना ईयरबड, उससे लगाए ये छोटे 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 छोटे, तो एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियोस बनती ना, तो उसमें देखा था, तो बहुत ईजी था, 2 मिनट में लग गए ये वाला, तो बहुत ही अच्छा है, बस थोड़ा रचा नहीं है। और ये इस तरीके से नहीं है, तो इसमें तो लग जाती, लेकिन इसमें नहीं लग पाती, क्या करें। तो इस तरह से मेहंदी रही, और रात के 12:30 बजे तक, मैंने 11:30 बजे तक लगा ली थी मेहंदी, और ये हस्बैंड जी आए थे 12:30 बजे, तो उठते उठते मतलब सोते सोते हमको है ना 1-2 बज गया था। तो फिर उसके बाद में ना मैं सुबह जब उठी तो मैं 2 अलार्म लगाती हूँ, एक 5 बजे का, एक 5:30 का। तो 5 बजे तो मुझे उठना होता है, लेकिन 5:30 का ना वार्निंग अलार्म होता है कि भाई अब तो उठ ही जाओ। तो आज 5:30 बजे का अलार्म भी मैंने अवॉइड करा, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। ये वाला बैक है ना मेरा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, उठने ही नहीं पा रहा था। अब ऐसा मौसम हो गया कि पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, ना चलाओ तो गर्मी लगती है। और हर्षित ने ना पंखा चला करके सो गया, और मेरा ये कंधा है ना ऐसे ही रह गया अब सर्दी की वजह से, अब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि आज बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, कि मेरा ये भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स थे कि ना वीडियो तो बनाना। आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि उठूं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आज का दिन तो बहुत ज़रूरी है, मतलब उठना, पूजा पाठ सब कुछ। और आज है ना, वैसे कार्तिक के महीने में ठंडे पानी से नहाने वाले 4 बजे नहा लेते हैं, लेकिन मैंने आज गर्म पानी करके नहाया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ना ये मेरी साड़ी कुछ इस तरीके की है, मेरी शादी के टाइम पे ना ऐसी साड़ियाँ ही चलती थी, तारे सितारों वाली। तो एक बात है, तारे सितारे जैसे कोई भी पुराने फैशन की साड़ी हो ना, उसके साथ में ना जो आजकल ट्रेंड में हो ना ब्लाउज, वैसा वाला ब्लाउज पहन लो। मुझे ऐसे फ्रिल वाले ब्लाउज होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा कोई ब्लाउज पहन लो। तो मैंने इसका ब्लाउज नहीं पहना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ओल्ड फैशन ही हो जाएगी, तो मैंने ये वाला पहना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आपको कैसी लग रही है साड़ी बताइएगा। सुबह का तो मेरा यही लुक है। रात को मेहंदी लगाते लगाते 11:30 बज गए थे, एक मन कर रहा था लगाऊँ ऐसे ही लगा लूँ, फिर मैंने बोला कि मेहंदी के बिना तो फीलिंग ही नहीं आएगी, करवा चौथ वाली, करवा चौथ की फीलिंग ही मेहंदी से आती है। एक बात है, कैसी भी मेहंदी मतलब लगाते टाइम ऐसा लगता है कि बेकार लगा रहे हैं, अच्छी लगाने नहीं आती है ये वो, लेकिन जब मेहंदी रच जाती है तो कैसी भी लगी हो वो अच्छी लगती है। अभी ना नेल पेंट भी लगा लूँगी, और चूड़ियाँ है ना अभी पहन लूँगी थोड़ी देर से, और अभी तो मैंने यही पहनी हुई है, ये इसके अंदर लाग भरा हुआ है, तो इस तरह से पहनी हुई। सीधे हाथ में तो आसानी से लग जाती है, लेकिन उल्टे हाथ में बड़ी दिक्कत लगती है। और रेड कलर है ना तो दिखता भी है, फिर अगल बगल में बाहर निकल जाएगा ना तो फिर दिखता और है कि निकल गया, ढंग से नहीं लगाई है, फिर देखने में अच्छी नहीं लगती है। अच्छे लगे इसलिए तो लगा रहे हैं, और वही देखने में अच्छी नहीं लगे तो क्या मतलब है। कुछ कुछ तैयारियाँ कर ली हैं, आटा लगा लिया है, पूरी का कचौड़ी का आटा लगा लिया है, खीर बनाने रख दी है, आलू बॉईल करने रख दिए, क्योंकि हस्बैंड जी की फेवरेट है पूरी खीर और कचौड़ी। यहाँ पर बना रही हूँ मैं आलू की कचौड़ियाँ, जिसके लिए मैंने 2 तरीके का आटा लिया था। यहाँ पर मैंने 2 तरीके का आटा लिया है, नॉर्मल आटा, और ये थोड़ी सी मैदा ली है मैंने, और इसके अंदर मैं मिला रही हूँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग,
साथ में मोयन। इस तरह से जब आटा बंधने लग जाए तो समझिए कि आटा बिल्कुल ना परफेक्ट लगा है। यहाँ पर बन रही है आलू की सब्जी, यहाँ बन रही है कचौड़ियाँ, ठीक है, फूली फूली कचौड़ियाँ। अब पूरी ये रही पूरी कच्ची कच्ची होगा, मैं कच्ची कौन खिला है, सिंगल हैंड ऐसे ही बनाना पड़ता है। जब तक कचौड़ियाँ बन रही हैं इतनी देर में बेल करके रख लिया तैयार कर लिया, अब फिर बस इसको उतारना रह जाएगा। जब ऑयल पूरा लग गया ना साइड पर, ऑयल लग गया तब याद आया एप्रिन की, मुझे एप्रिन की पहनने की आदत नहीं है ना, तो भूल जाती हूँ पहनना, नई साड़ी के साथ में एप्रिन पहनना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि आदत ही नहीं है। तेल लग जाता है साड़ी पर तभी याद आती है। हो गई हूँ तैयार और यहाँ पर हो रहा है मेरा दूध गर्म, इसलिए मैं यहीं पर ही खड़ी हो गई हूँ तैयार होकर के, और दूध गर्म करते करते ही मैं तैयार हुई हूँ। और मैंने ना पहन लिए बैंगल्स भी और साड़ी वगैरह सब कुछ, बस अब नीचे जा ही रहे हैं पूजा करने के लिए, थोड़ा सा बॉयल हो जाए तो फिर मैं जाऊँगी नीचे। नीचे से आ गई हूँ पूजा करके और ऊपर मैंने बस अभी भोग की थाली लगाई है और भोग लगाया है और भगवान से यहाँ पर आशीर्वाद ले रही हूँ, और जो भी पूजा में कमी रह गई हो या फिर कोई भूल चुक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर रही हूँ। भोग लगा दिया है मैंने माता रानी को और अभी ये दुकान बढ़ा रहे हैं तो आएंगे, तो जब पानी पिलाएंगे पैर छुएंगे तब जाकर के व्रत पूरा होगा और तब कुछ पीने को खाने को मिलेगा। तो चलिए आपको और इंतज़ार नहीं कराते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ही इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग, जय माता दी, राधे राधे। एंड यस, इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी की प्यारी प्यारी मेहंदी की और प्यारे प्यारे आप जिस तरह से तैयार हुए उनकी फ़ोटोज़ भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राधे राधे। ये जीवन की सच्चाई है दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है। खाया वाला खा लिया है, बर्तन भी पड़े थे थोड़े से ही, उनको भी मैंने सोचा माँज के ही सोऊं, क्योंकि रात में ऐसे मतलब छोड़ते नहीं है ना, थोड़े से बर्तन है इनको छोड़ के सोने, तो सोचा सो लूँ। और ये चूड़ियाँ ना अभी नहीं उतारूंगी, क्योंकि सोन सामान सारी चीज़ें एक साथ नहीं उतारते हैं ना।